खबर जनपद नई टिहरी से है, जहां विश्व दिव्यांग दिवस पर राडस संस्था जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की ओर से जाखणी धार ब्लॉक में नंदगांव में गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने दिव्यांगजनों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशील बहुगुणा ने कहा कि हमारी संस्था सन 2000 से जनपद में दिव्यांगजनों हेतु कार्य कर रही है। इसी बीच संस्था की सचिव कुंभी बाला ने भट्ट ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वरोजगार ऋण योजना, शिक्षा के लिए विशेष अनुदान और पुनर्वास सेवाएं। उन्होंने दिव्यांगजनों की सरकार से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को बैसाखी और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। विश्व दिव्यांग दिवस पर हमारी संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानी चोरी द्वारा टिहरी जनपद के दिव्यांगों के लिए एक गोष्ठी आज यहाँ नंदगांव में आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगों के अधिकार और उनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस गोष्ठी में आज हमारे द्वारा 19 दिव्यांगजनों जिनको रोजगार के लिए प्रेरित किया गया और उनको सरकार और बैंक से जो है लोन उपलब्ध कराया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जो है इसकी बेकरी की दुकान खोली है, कईयों ने स्टेशनरी की दुकान खोली है, किसी ने सिलाई की दुकान खोली है। तो इस तरह 19 लोगों को हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर चलाया गया और मेरा आप सभी दिव्यांगजनों से और सभी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तियों से ये अनुरोध है कि आपके आसपास कोई भी दिव्यांग अगर ऐसे हैं जिनको अपना रोजगार करना है और उनको जो है जो लोन है या अन्य सुविधाएं जो है वो हमारी संस्था के माध्यम से दिलाई जा रही हैं, और इसमें जिस तरह के दिव्यांग हैं उनको जैसे कान की मशीन, बैसाखी, व्हील चेयर, इस सब की अगर आवश्यकता है तो वो भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है। अब इसमें जो है आय जो 23,000 रुपये मासिक से जिनकी आय कम आय है उनको भी अभी ये उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसमें एक एफिडेविट उनके द्वारा दिया जा रहा है।